दोस्तों, थोड़ा ही टाइम पहले हमने एक वीडियो डाली थी खांसी, रेशा और छाती में बलगम की। उसमें हमने बताया था कि आपकी कितनी भी पुरानी खांसी, रेशा और छाती में जो बलगम की वजह से हमारी छाती जाम जाम रहती है, कितनी भी पुरानी हो आपकी 3 दिन में ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, वो वाला नुस्खा इतना काम किया हमें, ये जो कमेंट आया है, ये प्रियंका का कमेंट आया है, वो भी बेंगलोर से। तो वो हमें लिखते हैं कि सर, खांसी, रेशा और छाती में बलगम की समस्या थी पिछले 10 साल से। मेरी एज 28 है, मैंने 10 साल में बहुत सारे ट्रीटमेंट करवाए हैं पर मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था। एक दिन अचानक यूट्यूब खोला और सर्च किया कि आपकी वीडियो सामने आ गई। वो वीडियो पंजाबी में थी, कुछ कुछ समझ में आया, पर जो नुस्खा आपने बताया था वो मुझे समझ में आ गया था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आसान था। मैंने 3 दिन उसे यूज़ किया और चौथे ही दिन मेरी रेशा और बलगम की जो समस्या थी वो सारी की सारी ठीक हो गई और 8वें दिन मेरी खांसी भी ठीक हो गई। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों देखा, इनकी 10 साल पुरानी खांसी, रेशा और छाती में बलगम की समस्या थी। इन्होंने जो हमारा देसी नुस्खा बताया हुआ है, सिर्फ इन्होंने 10 दिन खाया है और 10 दिन में इनकी जो 10 दिन में 10 साल की इनकी जो समस्या थी वो ठीक हो गई। इन्होंने अपना बहुत सारा ट्रीटमेंट करवाया था लेकिन इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो दोस्तों, आप भी वो वाली वीडियो देखना, वो वाली वीडियो पंजाबी में है। अगर आपको वो ना समझ में आए तो मैं आपके लिए हिंदी में बना दूंगा। वीडियो के लास्ट में जहाँ डिस्क्रिप्शन में जहाँ आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक आपको जरूर दूंगा, आप वो वाली वीडियो जाकर जरूर देखो। अगर आपको खांसी, रेशा और छाती में जकड़न की, बलगम की समस्या है तो आपको ये वाला नुस्खा जरूर लेना चाहिए क्योंकि 10 साल पुरानी उनकी जो खांसी, रेशा की जो समस्या थी, बहुत ही पुरानी, जिनको खांसी होती है, तो वो प्रियंका की जो समस्या है वो उनकी बिल्कुल ठीक हो गई है।